पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन चोर मचाए शोर जैसा है। सीएम बघेल यहां की स्थिति को अनदेखा कर उसमें शामिल होने गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेसी गवर्नमेंट के समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें 2 बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, 9 घंटे उनसे पूछताछ भी की गई थी। तब उन्होंने कोई ऐसा प्रदर्शन या लाव लश्कर नहीं किया बल्कि अकेले उसका सामना किया। वहीं अब ईडी के मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन चोर मचाए शोर की तरह है। आश्चर्य होता है मुझे कांग्रेस के चरित्र को लेकर। ये वही कांग्रेस है जिसने ये भी देखा कि ईडी के बुलावे में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मोदी जी को 2 बार बुलाया गया, 9 घंटे बैठाए गए, 9 घंटे में लगातार मोदी जी ने कोई मेला ठेला भीड़ भाड़ लेके प्रदर्शन नहीं किया। मोदी जी ने अकेले गए और उन्होंने कहा मैं हर बात का जवाब दूंगा, हिम्मत के साथ उन्होंने बात कही और जो प्रश्न करना है अंत में उन्होंने पूछा और कोई प्रश्न बाकी है क्या, उन्होंने कहा नहीं अब हमारे पास प्रश्न नहीं है। एक गिलास बिना पानी पिए जो व्यक्ति 9 घंटे फाइट कर सकता है, 2-2 बार ईडी के सामने प्रस्तुत हुए, आज इनके नेता यदि ईडी ने बुला लिया तो पूरे के पूरे प्रदेश भर को देश भर में आंदोलन की बात कर रहे हैं। क्या मोदी जी के साथ कोई आंदोलन हुआ था? आज ये बात को देखकर यही लगता है कि चोर मचाए शोर।